नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मिथारी। आइए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन, जहां पर पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लगातार दूसरे दिन बम मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, शनिवार 17 जून को बीरभूम स्थित शांति निकेतन से 28 क्रूड बम बरामद हुए हैं। ये बम दो बाल्टियों में रखे हुए थे। वहीं पुलिस ने सभी बमों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एक दिन पहले भी बीरभूम में टीएमसी के दफ्तर के पीछे से एक घर के अंदर 20 बम बरामद हुए थे, जहां पर लगातार दूसरे दिन बम मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीरभूम में पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन बम मिल रहा है, जिससे सभी लोगों के भीतर दहशत का माहौल है। तो वहीं मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगने पर लापरवाही के चलते पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और सीईओ को गिरफ्तार किया था, जिसे अब जमानत पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मुखर्जी नगर थाने में भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान कोचिंग संस्थान के 12 छात्रों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुखर्जी नगर के निवासी शिवेश मिश्रा और मॉडल टाउन में रहने वाले श्याम सुंदर भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे बाद में अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्ति भंडारी हाउस से संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं। उनमें से एक संस्थान का सीईओ है, जबकि दूसरा एक अन्य कोचिंग संस्थान का मालिक है। वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बने एक कोचिंग सेंटर में 15 जून को लगी आगे की वीडियो में देखा कि आग लगी, जिसमें देखा गया कि वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई। भयानक आग की इस घटना की चपेट में करीब 61 लोग आए थे, जिसमें से 3 अस्पतालों में इन्हें भर्ती भी कराया गया। इनमें से 50 को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मामूली चोटों से रेस्क्यू भी किया गया। तो वहीं झांसी से दबंगों की दबंगाई सामने आ रही है, जहां पर झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत खरकी पट्टी के रहने वाले कृष्णा ने यह बताया कि रिश्तेदारी में कमी होने के कारण जो गंगा भोज कराया गया था, उसी दौरान दबंग लोगों ने उनके घर में घुसकर महिलाओं और पुरुष के साथ जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि इन दबंगों ने क्षेत्र के दीपक प्रदीप सुमी और सौरभ शामिल में इन पे ज्यादातर देखा गया कि इनके साथ दबंगे की, जहां पर इस पूरे इलाके में मौजूद महिला और पुरुष के साथ मारपीट की है। तो दबंगई की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर राजभोज के दौरान इन दबंगों ने महिला और पुरुषों के साथ बदतमीजी की। बताया जा रहा है कि ये नशे की हालत में थे, जिस दौरान दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो उनने पकड़ा, क्या कहते, मेरी लड़की का हाथ है। तो फिर वो चिल्लाई, उसे पटक लिया, मैं पहुंची, मेरे में झापड़ मारा, लड़का पहुंचा, लड़के का सिर फाड़ दिया उन लोगों ने। फिर जो लड़की पहुंची, इसका गाल फाड़ दिया और इसको मारा। फिर सब लड़के पहुंचे तो सबको इनने मार पिटाई करी। और फिर अब दमंगी से कह रहे कि हम लोग यहाँ आतंक मचा देंगे, कह रहे बहुत परेशान हो गए, थाने गए थे, थाने में सुनवाई नहीं हुई हमारी, हम बहुत परेशान, रात में भी तो वही फिरोजाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद एक टप्पेबाज को गिरफ्तार किया। ये बड़ी सफलता फिरोजाबाद पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर पता चला है कि इस टप्पेबाज के पास अवैध तमंचा, कारतूस और एक कार थी, जिसे बरामद कर दिया गया है। वहीं 3 टप्पेबाज पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया और बाकी आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। वहीं मामला फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है, जहां आए दिन टप्पेबाज ने घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मुस्तफाबाद रोड पर कार सवार टप्पेबाजों को घेरा, जहां पर इस घेरेबंदी के चलते इस कार को रोकने का प्रयास किया गया और इसी दौरान टप्पेबाज को गिरफ्तार किया गया। वहीं जो 3 टप्पेबाज थे, ये फरार हो गए, चकमा इन्होंने दिया फायरिंग के चलते और इसी के आड़ में वो यहां से फरारी काट गए। वहीं गाड़ी में बैठे 3 और टप्पेबाज इसी तरह से भागने में सफल हुए, जहां पर पुलिस ने एक टप्पेबाज रशीद उर्फ राशिद, पिता फिदा हुसैन निवासी दिखलौती थाना क्षेत्र शिकोहाबाद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल पुलिस ने मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जो
जिनका गैंग है तीन चार लोगों का, जो कोई मिनट में लोगों को बैठाते हैं, उनसे धोखाधड़ी करके प्रतिबंध करके सामान का उनका रोक लेते हैं। उसका एक कल सूचना मिली पुलिस को कि ये रुस्वा रोक तो है, उसका पुलिस की घेराबंदी की, जिसमें से एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया, रशीद और राशिद उसके खिलाफ हैं, देवाशिद इक्टोली का, बाकी तीन लोग भागने में सफल रहे और पुलिस को रिपेयर करके इसको मुकदमा दर्ज किया गया है। और इनके इसके हिरासत से एक कमल चतीस गुंदर होकर कार्तिक मिला है, पुलिस मानी जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बांदा से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। बता दें कि पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी, जहां पर शिव कुमार ने मायके में चाकू से गोदकर पत्नी को मार डाला है। आपको बता दें कि पति का ससुराल ले जाने को लेकर एक विवाद हुआ था, जहां पत्नी से विवाद के चलते पति ने इस हत्या को अंजाम दिया। 2016 में आपको बता दें कि इन जोड़ों ने शादी की थी, जहां पर शादी के 8 साल बाद ही ऐसी निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी पति शिव कुमार को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं घटना शहर कोतवाली अंतर्गत कहला गांव की है। संजय देवी नाम की महिला है, इनकी शादी वर्ष 2016 में हुई थी, गाजीपुर थाना गिरवान जनपद बांदा में। ये 3-4 दिन पहले मायके आई थी, इनका पति भी आया था, फिर वो वापस चला गया था। आज वो आया था, लगभग 1-1.5 बजे के बीच की घटना है। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें प्राथमिक जानकारी है कि वो मायके से अपने ससुराल ले जाने के लिए आया था, और उसके बाद विवाद के बाद उसने फिर चाकू पहले से लेकर आया था अपने घर से, चाकू से उसकी हत्या कर दी। गाँव वालों की मदद से उसको पकड़ लिया गया है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट है, सभी अधिकारीगण मौजूद हैं, आगे लेकर कार्रवाई। तो वहीं अगली खबर कानपुर से, जहां कानपुर के थाना कंडलगंज के अंतर्गत एक महिला की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है, इसका खुलासा कानपुर पुलिस ने किया है। वहीं आपको बता दें कि कल बिसाती कब्रिस्तान चुन्नीगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला था, जिसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वहीं महिला की शनाख्त सिमरन मोहम्मद, पति का नाम फैजान के रूप में हुआ है, जो कि फैजान चोरी के मामले में पहले ही कानपुर जेल में बंद थे। वहीं महिला के अवैध संबंध के कारण महिला की ईंट से कुचलकर हत्या की बात सामने आ रही है, और वो और किसी ने नहीं बल्कि सामने आ रहा है कि उसके चेट ने की है। आपको बता दें कि चेट का कहना है कि महिला का यानी कि उसकी भाभी का कई अवैध लोगों के साथ संबंध था, ऐसा शक जताया गया, जिस शक के चलते भारी बेइज्जती का सामना ना करना पड़े इसके लिए हत्या का रास्ता चुना गया। वहीं कानपुर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक 15/6/2023 को थाना क्षेत्र कर्नलगंज में एक सूचना पुलिस को मिली कि बिसाती कब्रिस्तान के पास एक युवती का शव मिला है। युवती का नाम सिमरन था, जिसकी पत्थर से सिर फोड़ के उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उसके परिजनों से तहरीर ली गई और रेहान नाम के युवक को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर इस रेहान की गिरफ्तारी कर ली है। रेहान बेसिकली रिश्ते में उसका देवर ही है, और वो इसके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे इसकी भाभी का, उससे तंग होकर उसने ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं संभल के खाना में खाटू श्याम गरीब कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने वृद्ध आश्रम में एक दिन अपनी सेवा देकर बुजुर्ग माता पिता को आश्रम में योग कराकर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की। वहीं 2 महीने पहले बने ट्रस्ट ने अलीगढ़ में एक बुजुर्ग को अच्छी हालत में नहीं देखा, तो उनके मन में आया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए जिसके लिए बुजुर्गों की सेवा हो सके, और एक ट्रस्ट ऐसा बनाया भी गया, जो 2 महीने में ये ट्रस्ट 6 प्रोग्राम आयोजित कर चुका है, जिन बच्चों के माता पिता पालन पोषण करके अपनी हर जरूरत को दिल में कर बच्चों के भविष्य बनाने के लिए दिन रात एक करते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपको ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम गरीब कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की। संस्था
की शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी, जहां अलीगढ़ से शुरू हुई संस्था की शाखा संभल में भी है। वहीं अलीगढ़ और संभल के सदस्यों ने ट्रस्ट के बैनर तले शुक्रवार को बजोई रोड स्थित ग्राम बबैना के वृद्धाश्रम में अपना एक दिन वृद्धों की सेवा में लगाया। वहीं सुबह के वक्त बुजुर्गों को योग कराकर उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स दिए, साथ ही बुजुर्गों को नाश्ता कराने के बाद भोजन की व्यवस्था कराई। वहीं इस दौरान खाटू श्याम गरीब कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। व्यवस्था क्या है इनकी, सुबह से लेकर शाम तक के खाने की व्यवस्था की तैयारी कराई गई है और सुबह का नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, फिर शाम का नाश्ता है और फिर शाम को खाना भी है। ये श्री खाटू श्याम गरीब सेवा कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, और ये गरीबों की मतलब बड़े वृद्ध माता पिताओं को देखकर ही जो है एक जगह गए थे, वहां पर जो है परेशानी देखी उनकी, तब से जो है ये फिर मन में आ गया, तो इस तरीके से ये आगे कार्यक्रम की कोशिश करी। सर हमारा उद्देश्य है जो इस आवासीय आश्रम में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, बस उनकी सेवा ही मेन हमारा उद्देश्य है। अभी तक हम अलीगढ़ जिले के 5 आश्रमों में हम सेवा अपनी दे चुके हैं और ये हमारा संभल जिले में पहला और छठा सेवा है हमारे प्रोग्राम में हमारा ये। तो वहीं अगली खबर झांसी से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन बानू के बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रेम नारायण द्विवेदी के नेतृत्व में आज किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के नाम संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी माउरानीपुर को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि माउरानीपुर देश की सबसे बड़ी तहसील है, उसके बावजूद भी माउरानीपुर को आज तक जिला नहीं बनाया गया। तो वहीं माउरानीपुर को जिला बनाए जाने एवं नगर के बीच से निकाल हुई सुख नई नदी को साफ कराए जाने की मांग ज्ञापन में शामिल कराई गई है। इसके साथ ही किसान हित में सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर सरकार का आभार भी किसान नेताओं के द्वारा व्यक्त किया गया। वहीं ज्ञापन में शामिल मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग किसानों की तरफ से की गई है। हम भारतीय किसान यूनियन भानु के बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रेमनाथ द्विवेदी, मैंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग पर किसानों के ट्यूबवेलों का मुफ्त बिजली देने का वादा किया है और घोषणा भी की है 1 अप्रैल 2023 से, उसका मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद मेरी दूसरी मांग है किसान आयोग की गठन की, उसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री से मैं संस्तुति करके जल्दी से जल्दी किसान आयोग का गठन कराऊँगा, उसका भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ संगठन की तरफ से। इसके बाद मेन मेरा मुद्दा है मऊरानीपुर तहसील है जो बहुत पिछड़ी हुई तहसील है और यहाँ कोई विकास नहीं है, आज से नहीं है, कई सालों से नहीं है, तो मैं मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मांग है कि मऊरानीपुर को जल्दी से जल्दी जिला बनेगा, मऊरा से जिला बनाने की मांग करता हूँ। महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र में आज शाम SBI के एक ग्राहक सेवा केंद्र में असला दिखाकर 3 बदमाशों ने असला दिखाकर नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं बैंक शाखा चलाने वाले लोगों में भय व्याप्त है। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि निचलौल नगर के गोड़हवा चौराहे से चौक मार्ग स्थित एक बैंक शाखा संचालित है, जिस पर रोज की तरह आज भी बैंक पर कार्यरत कर्मचारी काम कर रहा है। इसी दौरान शाम करीब 4 बजे 3 युवक मुंह पर मास्क लगाए हुए शाखा में घुसे, जिसमें से एक युवक कर्मचारी से बात कर रहा है जबकि 2 युवक बाहर दिख रहे हैं। तभी अचानक एक बदमाश युवक असला लेकर काउंटर के अंदर घुसकर कर्मचारी के पेट से जुड़ गया, जहां पर उसने यहां पर हमले करने की कोशिश की और धमकाने की कोशिश की, जबकि तीसरा बदमाश लॉकर से पैसे निकालने में व्यस्त रहा। केवल 2 मिनट में ही बदमाश नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लेकर भाग निकले। जहां पर शाखा प्रबंधक राहुल सिंह ने भी बताया कि पैसा निकालने की बात कर रहे इन 3 बदमाशों ने पिस्तल की नोक पर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, साथ ही मोबाइल और लैपटॉप भी लेकर फरार हो गए। वहीं लूट की घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पूरे जनपद में जांच अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही CCTV फुटेज के माध्यम से 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
मैं बैठा था, उसके बाद देखे लोग कोई इधर मतलब कोई आदमी नहीं था अंदर, वो लोग आए, तीन लोग आए कुछ मुझसे पूछे पैसा निकल जाएगा, हमने बताया कहाँ पैसा निकल जाएगा। और उसके बाद फिर इधर उधर देख के बाद एक बंदा अंदर आ गया पूछ कर, उसके बाद वो पिस्तौल निकाला, उसके बाद एक बाहर से पिस्तौल दिखला रहा था और बोला कि पैसा बोला कि कहाँ था, हम बोले यहीं पर है, तो पैसा निकाल लिया, मेरा मोबाइल ले लिया, लैपटॉप लेकर चले गए। देखिए ऐसा है, जनपद महाराजगंज के थाना नेचलौल से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक SBI के ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको राहुल सिंह नामक व्यक्ति चलाया करते हैं, वहाँ पर शाम के लगभग 4 बजे के आसपास ये जब अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे थे, तब 3 अज्ञात पुरुष इनके गेट से प्रवेश किए हैं और यहाँ से इनके पास से एक डेल का लैपटॉप, एक रेडमी मोबाइल और कैश लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास इनके द्वारा बताया गया है कि इनके वहाँ से छीन के लेके भागे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल एक्टिव होकर पूरे जनपद भर में चेकिंग लगाई गई है तथा पुलिस की लगभग 6 टीमों को इन अभियुक्तों की पहचान के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए लगाया गया है और जो पीड़ित हैं इनसे तहरीर प्राप्त करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। तो वहीं श्रावस्ती में गोकशी करने वाले अपराधियों पर पुलिस का हंटर चल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि गोकशी करने वाले 4 अभियुक्तों पर श्रावस्ती पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। चारों अभियुक्तों का संगठित गिरोह लीडर सलीम उर्फ मुठरू पुत्र जाहिद, सिरसिया थाना प्रभारी योगेंद्र राय ने धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। वहीं बता दें कि पहले से धारा 150(23) गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में मामला दर्ज गया, जहां पर गोवंश की चोरी कर मांस काटकर बेचने का यह अपराध लोग कर रहे थे। वहीं थाना सिरसिया क्षेत्र के निवासी सभी संगठित गिरोह अपराधी पर नकेल कसे हुए हैं। जनपद श्रावस्ती में थाना सिरसिया अंतर्गत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गैंग पंजीकरण किया गया है, जिसके 4 मेंबर हैं, सलीम उर्फ मटरू, अनिल उर्फ जुड़िया, भूरे डफाली उर्फ कैसर और बाबू खां। इस पूरे गैंग का जो लीडर है उसका नाम है सलीम उर्फ मटरू पुत्र जाहिद अली। ये सभी अभियुक्त गण संगठित गिरोह बनाकर भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु गोवंशों की चोरी करते हैं और उन्हें मोटरसाइकिलों में लाद के उनका मांस बेचते हैं और इस अपराध को करके धन अर्जित करते हैं। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले में अवैध तमंचे का अंबार मिला है, जहां श्रावस्ती पुलिस इसकी धरपकड़ कर रही है। अलग अलग थाने क्षेत्रों से अवैध तमंचे के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पर गिरफ्तार अभियुक्तों पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इसके तहत उनको जेल भेज दिया गया है, जहां पर कोतवाली बिनंगा पुलिस ने 312 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। जिला कारागार के पास से गिरफ्तार हुए हैं ये लोग, जहां पर इकोना पुलिस ने रामवापुर ढकाही निवासी अभियुक्त को 1 तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ मोहम्मद राजा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। लगातार ये लोग अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त सामने आ रहे थे, जिनको आखिर में जेल भेज दिया गया है। वहीं ये सिलसिला लगातार जारी था, जहां पर पुलिस ने आखिर में आर्म्स एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की। तो वहीं उत्तराव के याकूबपुर गांव में शुक्रवार को अपनी दादी के दाह संस्कार में छतनाग घाट बालक जो गया था, उसकी मूलचंद जो कि उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है, गंगा में नहाते हुए तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई है। शाम तक काफी खोजबीन के बाद बालक का शव नहीं मिला, तो शनिवार सुबह जल पुलिस और झांसी पुलिस की खोजबीन के बाद बालक का शव छतनाग घाट के लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगा में पाया गया। वहीं शव देखकर परिजन रोते बिलखते हुए दिखे। वहीं सूचना पर पहुंची झांसी पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बिजनौर में सर्कस की आड़ पर एक बड़ा रैकेट चल रहा था, जहां पर बाल बालाओं का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर्कस की आड़ में चल रहा बाल बालाओं का ये जो डांस है वो हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर मेला प्रदर्शनी में चल रहे इस डांस से पुलिस प्रशासन बेखबर था। नौजवान डांस में गवारे खून पसीने की कवाई, जहां पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई, तब जाके पुलिस की आंख खुली। बता दें कि थाना नजीमाबाद के हर्षवाड़ा इलाके का ये मामला है।
बता दें कि कासगंज रेलवे स्टेशन पर युवक को रील बनाना महंगा पड़ा, जहां पर युवक को थप्पड़ मारती रेलवे पुलिस नजर आई है। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर युवक रील बना रहा था, जो उसको आखिर में महंगा पड़ा, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने रील बनाने वाले युवक का फितूर उतार दिया। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए रील बना रहा था ये युवक, जहाँ पर रेलवे पुलिस द्वारा रील बनाने वाले युवक का नशा उतारने का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये तेजी से फैल रहा है। बता दें कि युवक के थप्पड़ मारती नजर आ रही रेलवे पुलिस, कासगंज जनपद के कुंजद्वारा रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। बता दें कि मैनपुरी से पूर्व जन्म का हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां पर गांव में युवक को भीड़ देखने के लिए आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पूर्व जन्म का एक मामला सामने आया। दरअसल 8 साल पहले एक व्यक्ति की संप्रदर्श में मौत हो गई थी, जहां 15 जून को मृतक अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया, कुछ ऐसा कहने और करने लगा जिससे परिवार वाले चकित रह गए। बता दें कि लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा, जहां पर लड़के ने अपने पूर्व जन्म का दावा किया और गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान तक कर डाली। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है। मैनपुरी जिले के ग्राम मंगलपुर में 8 साल का बेटा अपनी नानी के घर गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा नानी के पैर छू, और इस पर उसने दावा किया कि वो उनकी नानी नहीं बल्कि वो कोई और व्यक्ति है। इस पूरे मामले को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और सवाल जवाब के बाद ये दावा किया गया कि जो ये 8 साल का व्यक्ति है, ये बच्चा है, ये आखिर में कोई और है, ऐसा इस बच्चे की तरफ से दावा किया। वहीं अस्पताल जाते समय ये बताया कि उस पूर्व जन्म वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो कि अब वो बेटा है, ऐसा उसने दावा किया। वहीं जासा में आसरा एनजीओ परिवार के सहयोग से गरीब कन्या का विवाह हुआ है। आपको बता दें कि आसरा एनजीओ के अध्यक्ष पूजा शर्मा ने इसका धन्यवाद किया है। आज के समय में जहां कोई किसी के काम नहीं आता, वहां आसरा एनजीओ हमेशा से ही दूसरों के दुख दर्द बांटने में हमेशा आगे आता रहा है। वहीं बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही आसरा एनजीओ के अध्यक्ष पूजा शर्मा ने सभी लोगों से अपील की थी कि एक गरीब कन्या लक्ष्मी, जिसके विवाह में जो भी सहयोग करना चाहता है वो आगे आए। इस अपील को कई लोगों ने सुना और इस पर आगे भी आए, जहां पर लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक रूप से उससे मदद करी, उपहार दिए, जिसकी वजह से पूजा शर्मा ने इसका धन्यवाद दिया है। तो वहीं झांसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच के संरक्षक समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी बने हैं, जहां पर ज्वलन मुद्दों को लेकर आचार्य विवेकानंद ने सानिध्य में ये चर्चा भी करी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच जो काफी समय से हिंदू समाज के ज्वलन मुद्दों पर कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य विवेकानंद का जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी संस्था संघर्ष सेवा समिति में आगमन हुआ, जहाँ संगठन में झांसी जनपद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। साथ ही नए पदाधिकारियों को जोड़कर संगठन का विस्तार भी किया गया। वहीं आचार्य विवेकानंद ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज के ज्वलन मुद्दे जैसे लव जिहाद, धर्मांतरण, गोहत्या, जनसंख्या अस्थिरता, असमान नागरिक संहिता से समाज में द्वेष भावना बढ़ रही है। इसके लिए हिंदू समाज को जागृत होना होगा, खासतौर से सनातन धर्म की महिलाओं को, जहां लव जिहाद जैसे मुद्दे हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुके। वही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच के संरक्षक एवं समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए गंभीर मुद्दा बन चुके। वहीं प्राकृतिक संपदाओं का दोहन भी से बढ़ता जा रहा है, जिससे महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करता दिख रहा है। वहीं हमारा संगठन संघर्ष सेवा समिति गौ संरक्षण पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है, ये भी बात रखी गई। इसके अलावा आगामी समय में गौ संरक्षण के लिए संगठन ने कार्य कर रहा है, इस बात की भी जानकारी दी गई, जिसमें सैकड़ों गायों को संरक्षण मिलेगा और उनसे लोगों की आय का स्रोत भी सृजित होने वाला है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान सिविल संहिता भी लागू की जानी चाहिए, जिससे सभी को कानूनी रूप से समानता मिल सके। तो वहीं बाराबंकी में देखने को मिला कि जमानत कराने आए युवक को वकीलों ने तोड़ा तोड़ा कर मारा है, जहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बता दें कि बाराबंकी के तहसील परिसर में 151 के चालान में जमानत करने आए युवक को वकीलों ने जमकर पीटा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक को बेल्ट और डंडों से पीटा जा रहा है। ये
पूरी घटना एसडीएम कार्यालय के पास की है, जहां सिपाही जैसे ही युवक को तहसील परिसर में लाता है तभी भारी संख्या में वकील आ जाते हैं और पुलिस के सामने ही उसको पीटने लगते हैं। वही पुलिस मूर्धक्षक बनकर देखती रहती है, जहां लोगों की बात सही मानी जाए तो कुछ दिन पहले ही पीटे जा रहे युवक ने वकील के भतीजे को मारा था, जिसके चलते एक विवाद माना जा रहा है और इसी के चलते तहसील परिसर में ये पिटाई का मंजर देखने को मिला। अब सत्य क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।